नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल ट्रेड से संबंधित 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो हमेशा टेक्निकली एग्जामों के साथ साथ आईटीआई के सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उच्च वोल्टता अर्थात 500 वोल्टेज से अधिक पर कार्य करने वाला समान सिरा संयोजन निर्मित होता है, इसमें राइट आंसर है चीनी मिट्टी से। अगला क्वेश्चन, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर अर्थात एमसीबी कितनी क्षमता के बनाए जाते हैं, जिसमें राइट आंसर है एमसीबी 5 एम्पियर से 60 एम्पियर 230 वोल्ट तक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कई पतले केबल्स को एक साथ स्थापित करना हो तो उपयुक्त विधि है, जिसमें राइट आंसर है केबल्स को रेसवे में स्थापित करना, केबल्स को स्लू में स्थापित करना, केबल्स को पीवीसी टेप में लपेट देना। उपयुक्त तीनों ऑप्शन सही राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा प्रभाव अर्थात स्किन इफेक्ट निर्भर करता है, जिसमें राइट आंसर है स्किन इफेक्ट चालक के आकार पर भी निर्भर करता है, धारा की आवृत्ति पर भी, चालक की सामग्री की प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ धूप के दिन में सूर्य के द्वारा विकृत की गई ऊर्जा लगभग कितनी होती है, जिसमें राइट आंसर है 1.0 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस में प्रयुक्त की जाने वाली स्लरी का पीएच स्तर कितना होता है, इसमें राइट आंसर है 6.5 से 8.5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान शक्ति संचरण के लिए यदि शक्ति संचरण वोल्टता यम गुना कर दी जाए तब संचरण धारा पूर्ण धारा की कितनी हो जाएगी, जिसमें राइट आंसर है यम पावर 2/3 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइन में टावर के मध्य का आकार होता है, जिसमें राइट आंसर है टावर के मध्य का आकार परवलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संचरण लाइन की संचरण वोल्टता दोगुनी कर दी जाए तो चालक के पदार्थ का आवश्यक भार होगा, जिसमें राइट आंसर है 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी अर्थात अल्टरनेटिंग करंट ड्राइव का अन्य नाम है, एसी ड्राइव का अन्य नाम समायोजनित गति ड्राइव, परिवर्तनीय गति ड्राइव, आवर्ती आवृत्ति परिवर्तक ड्राइव अर्थात उपयुक्त तीनों ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएस प्रणाली में कौन सी बैटरी सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है, जिसमें राइट आंसर है लेड एसिड बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट टर्न ऑफ स्विच एक विशेष प्रकार का है, जिसमें राइट आंसर है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर अर्थात SCR। किसी परिपथ को विश्रामावस्था से चालू अवस्था में लाने के लिए निम्न में से किसे प्रयोग में लाया जाता है, इसमें राइट आंसर है ट्रायक को प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती है,
जिसमें राइट आंसर है ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो स्विच की भांति कार्य नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेल्टन टरबाइन सामान्यतः होती है, जिसमें राइट आंसर है क्षैतिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर आदि उपयुक्तियों को नियंत्रक पैनल पर स्थापित करने के लिए सुविधाजनक युक्ति है, जिसमें राइट आंसर है DIN रिले प्रयोग करना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी ट्रांसमिशन लाइन पर ट्रांसफार्मर या स्विच गियर स्थापित किए जाते हैं तो खम्भे में प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें राइट आंसर है एस टाइप के खम्भे प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री फेज विद्युत वितरण नियंत्रक पैनल में प्रयोग किए जाने वाले वोल्टमीटर का परास होता है, जिसमें राइट आंसर है 0 से 500 वोल्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टीम पावर स्टेशन की संपूर्ण तापी क्षमता लगभग होती है, जिसमें राइट आंसर है 18 से 24% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम प्राकृतिक यूरेनियम कितने किग्रा कोयले के बराबर ऊर्जा देता है, जिसमें राइट आंसर है 10,000 अर्थात 10,000 किग्रा कोयले के बराबर ऊर्जा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आकार के तापी शक्ति संयंत्र में विद्युत शक्ति कितनी वोल्टता पर उत्पन्न की जाती है, जिसमें राइट आंसर है 50 kV किलो वोल्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च टैंक का क्या कार्य है? सर्च टैंक का कार्य है पेन स्टॉक पाइप के पानी की चोट के दबाव को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब बिटुमिनस कोयला लिग्नाइट कोयले की अपेक्षा कितना होता है, इसमें राइट आंसर बंगुर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र वह उत्पादन केंद्र है जिसे उच्च निवेश लागत एवं निम्न बेस लोज स्टेशन प्रचालनीय लागत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टरबाइन की गति नियंत्रित की जाती है, इसमें राइट आंसर है टरबाइन की गति गवर्नर के द्वारा नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म प्लेट में उष्मी तत्व के संचालन तापक्रम परास कितनी होती है, जिसमें राइट आंसर है गर्म प्लेट में उष्मी तत्व के संचालन तापक्रम परास 550 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी पंप को पहली बार लगाया जाता है या जब इसे किसी मरम्मत इत्यादि के लिए खोला जाता है तो 2 महत्वपूर्ण शर्तें अवश्य पूरी होनी चाहिए, घूर्णन की दिशा व चलने की से पूर्व प्राइमरिंग। किस पंप को प्राइमरिंग की जरूरत नहीं होती, जिसमें राइट आंसर है सबमर्सिबल पंप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीलिंग फैन के स्विच को निम्नलिखित संदर्भ में प्रकट किया जाता है, जिसमें राइट आंसर है ब्लेड के छोटे से मोटर के केंद्र की दोगुनी दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टीम टरबाइन साइकिल में निम्नतम दबाव होता है, जिसमें राइट आंसर है कंडेंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति केंद्रों में इंटेक के ठीक ऊपर बड़ा जल प्रकोष्ठ होता है, जिसे नियंत्रणकारी जलाशय के रूप में प्रयोग किया जाता है,
उसे फॉरवर्ड वे कहते हैं, जिसे फॉरवे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट कंक्रीट खम्भे का उपयोग कितने तक की लाइन के लिए किया जाता है, जिसमें राइट आंसर है सीमेंट कंक्रीट खम्भे का उपयोग 11 किलो वोल्ट के लाइन तक के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में कौन सा इंसुलेटर प्रदर्शित किया गया है, जिसमें राइट आंसर है इस चित्र में साइकिल टाइप इंसुलेटर प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री फेज सप्लाई में प्रयुक्त भूमिगत केबल्स का प्रकार नहीं है, जिसमें राइट आंसर है कोएक्सियल केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केबल्स का कौन सा भाग धात्विक परत को यांत्रिक चोटों इत्यादि से बचाव करता है, जिसमें राइट आंसर है वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल्स टर्मिनेशन में किसी केबल के सिरे को जोड़ा जाता है, जिसमें राइट आंसर है ट्रांसफार्मर से, ओवरहेड लाइन से और टीपीआईसी से भी, तीनों से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित केबल कौन सा है, जिसमें राइट आंसर है एसएल केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप अप सबस्टेशन के साथ संलग्न किया जाता है, इसमें राइट आंसर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर उत्पादन स्टेशन के साथ संलग्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, जिसमें राइट आंसर है माइक्रोहाइडल ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो हल्के नाभिकों का संयुक्त होकर भारी नाभिक में बनने की प्रक्रिया कहलाती है, जिसमें राइट आंसर है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन ऊर्जा शक्ति संयंत्र का कौन सा भाग रोटर के हाउसिंग तथा रोटर के बेयरिंग को सहारा देता है, जिसमें राइट आंसर है पवन चक्की शीर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई टेंशन ओवरहेड चालकों को कतार में खड़े बिजली के खम्भों पर सीधा रखने के लिए किस प्रकार का अचालक अर्थात इंसुलेटर उपयोग में लाया जाता है, जिसमें राइट आंसर है पिन टाइप इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, PILC DTA अर्थात पेपर इंसुलेटेड लेड शीथेड डबल टेपर्ड आर्मर्ड केबल की चौथी कोर प्रयुक्त की जाती है, जिसका राइट आंसर है न्यूट्रल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्डेड केबल और सिंगल केबल में प्रयुक्त अंतर यह है कि सिंगल लेयर केबल में प्रत्येक कोर पर धात्विक कवच चढ़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियल वितरण प्रणाली का उपयोग उस समय किया जाता है जब विद्युत ऊर्जा उच्च वोल्टेज पर उत्पादित की जाती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण लाइन की दिशा परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त इंसुलेटर है, जिसमें राइट आंसर है स्ट्रेन इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 वोल्ट से कम की वोल्टता कहलाती है, जिसमें राइट आंसर है लो टेंशन अर्थात LT वोल्टता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत वितरण उपकेंद्र को दो ओर से विद्युत आपूर्ति की जाती है, जिसमें राइट आंसर है रिंग प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अत्यधिक उपयोगी एवं प्रचलित है, जिसमें राइट आंसर है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCR अर्थात सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में एनोड धारा का संचालन किसके द्वारा संपन्न होता है, जिसमें राइट आंसर है ट्रिगर वोल्टेज के द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर को रीजनरेटिव ब्रेकिंग हेतु निम्न में से कौन सा चॉपर प्रयोग किया जाता है, जिसमें राइट आंसर है डीसी स्टेप अप चॉपर। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो का PDF जाने आपको अगर चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दें। ऐसे ही टेक्निकली क्वेश्चन जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन एजुकेशन पर जाए, और वहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे टेक्निकली क्वेश्चन मिल जाएंगे जो टेक्निकली एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रीवियस पेपर के साथ साथ प्रैक्टिकली पेपर भी मिल जाएंगे आपको, प्रैक्टिकली जानकारी भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।